Hey guys, I'm Megatron and I'm back with the part 3 of Pokemon Scarlet and Pokemon Violet. Last time, अभी तक हमें सिर्फ Mirrodion मिल चुका है. Mirrodion एक legendary Pokemon जो exclusive है Pokemon Violet में. उसे कैसे चलाना है, कैसे सवार करना है अभी तक कुछ बताया नहीं है, but मेरी next journey है, मुझे इस city तक जाना है. फिलहाल तो ये game so far interesting है क्योंकि open world game है. मुझे नहीं पता, शायद मैं city skip कर करे इसके पीछे भी जा सकता हूँ. देखो साइडक भी ब्रिज क्रॉस करना चाहता है. इस गेम के मैकेनिक्स बड़े अच्छे हैं, मुझे चीज भागते भागते भी उठा सकता हूँ, मतलब इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा. लाइक कि मैं चीज़ को लेके खड़ा हूँ, वो आराम से देख रहा है क्या चीज़ है. म्यूजिक इतना बड़ा चल रहा है, नहीं लाइक लुक एट दिस, भागते भागते इस चीज़ को पकड़ूंगा. डैम, इससे टाइम बचता है और गेम में इंटरेस्ट बना रहता है. वेल सो फार मैं इस वीडियो के अंदर जो नॉर्मल बैटल्स हैं उन सबको स्किप करने वाला हूँ. लाइक नॉर्मल बैटल्स लाइक ये जो बीच में रास्ते में लोग खड़े होते हैं. इस गेम का मैकेनिक्स बड़ा अच्छा है, मैं लोगों के पीछे से भी जा सकता हूँ. मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि मुझे उससे लड़ना ही लड़ना है. और मैं आ गया सिटी के अंदर, मुझे उससे जाके पास जाके अपना की दबानी पड़ेगी, तब जाके मैं लड़ूंगा. और है पोकेमॉन सेंटर, फाइनली इस रीजन का पहला पोकेमॉन सेंटर मुझे मिल गया. काफ़ी अलग सा दिख रहा है पोकेमॉन सेंटर, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पेट्रोल पंप जैसा हो. खुला खुला है सब कुछ, और पोकेमॉन सेंटर में ही मार्ट आना स्टार्ट हो गया था लास्ट टाइम से. और पोकेमॉन सेंटर की एक जो क्वालिटी थी ना, एक पूरा प्रॉपर एक एरिया बनता है हॉस्पिटल का, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत छोटी सी नहीं लग रही. लाइक अगर एक हॉस्पिटल की जरूरत होगी तो वो कहाँ पे होगा अगर किसी पोकेमॉन को एडमिट करना होगा. ओके वेल, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी आलसी वाली वो लग रही है. पोकेमॉन सेंटर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, बट फिलहाल गेम मैकेनिक्स है तो गेम के अंदर पोकेमॉन सेंटर एक जेनी भी खड़ी हो तो भी चलेगा. और यहाँ पे एलपी मटेरियल्स हैं, लेट्स सी एलपी क्या होता है. ओह आई थिंक एलपी होता है लीग पॉइंट्स, यानी जितना लीग लड़ूंगा उतना बढ़ेगा. इसका फ़ोन का केस मुझे अच्छा लगा, इसका ब्लैक कलर का है, मेरा बेसिक जो रेड कलर है. इसमें आई हर्ड कि फ़ोन कवर्स भी मिल सकते हैं, मतलब फ़ोन कवर अलग अलग कलर के भी, और कुछ मटेरियल्स भी दिए हैं. लेट्स सी मैं इन मटेरियल को बाद में चेक करूँगा. फिलहाल मैं ज़रा इस पोकेमॉन सेंटर का ही हाल चाल देख लूँ किस तरह का है. हेलो ऑफ टेम्परेचर, गेट अ पोकेमॉन सेंटर. ओह दैट आई नो दैट काइंड ऑफ स्टफ्स. Are when you're ready. Okay. Every line for Pokemon. Okay, ये चीज़ तो नॉर्मल सी है कि पोकेमॉन जब मर जाएगा तो उसको हमेशा रिवाइव कर सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली. और आर एक नया मैकेनिक है, मुझे आर दबा के पोकेमॉन अपना फेंक सकता हूँ, वो आगे लड़ने चले जाएगा. ये चीज़ मैं ऑलरेडी पहले ही यूज़ कर चुका हूँ, अगर मैं आराम से वो बटन दबाऊँगा. टू में से ओके बस काफ़ी हुआ, सारी बातें यहीं पे निपटा दोगे क्या. ये ई दबाया मतलब मैंने आर दबाया और ये मेरा डकी बाहर आ गया. तो यहाँ पे कोई है नहीं लड़ने के लिए, इससे खड़ा हुआ है फिलहाल. तो इसको डकी थोड़ा सा हील हो जाओ, तुम्हारी 5-6 एचपी थोड़ी कम हो गई होगी बीच में लड़ते लड़ते. पर ये यहाँ पे आराम से मेरा डकी अब हील होगा हमारी नर्स के पास. हाँ, मैंने रास्ते में एक वूपर भी पकड़ा था जो कि इस रीजन का एक्सक्लूसिव पोकेमॉन नहीं है, उसको बस कलर चेंज कर लिया, ब्लैक वूपर एज ऑलवेज. क्वैक्सली और मेरा पूरी टीम जो है वो अच्छे से रिफ्रेश हो चुके हैं. मैंने अभी तक फिलहाल एक ही पोकेमॉन पकड़ा है. तो पोकेमॉन की जो टिप्स हैं सिंपल सिंपल बता है, यहाँ पे कुछ अभी आना हो तो फिर से तो ये कहनी है कि यहाँ पे जब चाहे तब आप आ सकते हो. साइड में पोकेमॉन मार्ट है और लेफ्ट साइड में लीग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम टीम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. मैं जरा पोकेमॉन मार्ट से एक दो चीज़ें खरीद लूँ, लाइक सिंपल से पोशन की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, बट एक पैरालाइज हील है जिसकी जरूरत पड़ सकती है, और बेसिकली पोकेमॉन बॉल्स, बिकॉज मेरा मन करेगा आगे पोकेमॉन पकड़ने का. लेकिन एंटीडोट बेस्ट चीज़ है, अगर एंटीडोट नहीं लोगे तो बीच में पोकेमॉन अगर पॉइजन हो गया तो 5 मिनट के बाद ही निपट जाएगा, क्योंकि वो आराम से डैमेज करता रहता है. इवन अगर पोकेमॉन पार्टी के अंदर है तुम लड़ नहीं रहे तो ये चीज़ ऑब्वियसली सबको पता है. और रिवाइव कम ऑन, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 रिवाइव रखने चाहिए गेम की स्टार्टिंग में. मेरे पास ऑलरेडी एक है जो कि बाद में यूज़ हो सकता है, इसलिए मैं एक और देना चाहूँगा. दैट्स इट यू नो. और लीग पॉइंट्स 5000 थे और मेरे 1 सेकंड में झटके में 2000 उड़ा दिए. सो द लीग पॉइंट्स, एक लीग पॉइंट्स ही कुछ $1 ही है, मतलब गेम का जो मनी है. और या इट्स टाइम टू जस्ट एक्सप्लोर दिस सिटी, कि ये सिटी कैसी है दिखने में, कुछ खास इसमें इंटरेस्टिंग नई चीज़ें हैं कि नहीं है, या फिर सब कुछ सेम ही है. और क्वैक्सली जो है वो मेरे साथ ही घूमने वाला है, क्योंकि इस वक्त कोई पोकेमॉन दिख नहीं रहा लड़ने के लिए. जब उसे दिखेगा तो हमेशा वो सीधा उसके साथ भिड़ने के लिए जाएगा. मैं यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आया था, मुझे ज़रा सा सिटी को थोड़ा सा घूमना था. और मैंने वापस आया था, मैंने देखा यहाँ पे एक आइसक्रीम का स्टॉल है. तो यहाँ पर जो आइसक्रीम मिलती है वो पूरी टीम को ही खुश कर देती है. आइसक्रीम थोड़ी महंगी है, खैर यहाँ की 200 रुपये वाली आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी होती है, लेकिन यहाँ पर तो आइसक्रीम इतनी महंगी है, 900 की तो नॉर्मल है और 1000 की आइसक्रीम है. इससे अच्छा तो मैं पोकेबॉल खरीद लूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे उड़ा के ज़रा सा आइसक्रीम खा लें. और मैंगो आइसक्रीम है, वैसे मैंगो अच्छी होती है. लेट्स सी एनिमेशन, देखो मेरे 3 पोकेमॉन, तीनों के तीनों खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो गया.
अगर सर्दियाँ ना चल रही होती तो मैं एक मैंगो आइसक्रीम जरूर खाता। और ये क्या है, ये नॉर्मल ड्रैगन है, इलेक्ट्रिक टाइप पावर से इंक्रीज हुई है, मतलब बैटल से पहले आइसक्रीम खाने का कुछ फ़ायदा होगा, लाइक एक तरीके से स्टैट्स को इंक्रीज कर रहा है। लेट्स सी कि अगर मैं आइसक्रीम और खाता हूँ तो क्या होता है। पैरालाइज हील, यहाँ पे लोग ऑलरेडी अपने सर के ऊपर इनके ऊपर टैक्स लिखे हुए हैं, तो मुझे हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी इस गेम के अंदर हम सबके घर में नहीं जा सकते, आई डोंट नो एक घर का ग्लिच है या फिर फिलहाल गेम के कुछ अपडेट्स अभी भी गेम में मिसिंग है या फिर मेरे पास कुछ गेम का कोई बग है, बट घर के अंदर मैं अभी फिलहाल नहीं घुस सकता, आई डोंट नो द रीज़न। बट फिलहाल जो लोग बाहर हैं उन सबसे मैं फिलहाल छोटी मोटी बातें कर सकता हूँ, जैसे कि ये लड़की महिला अपने पोकेमोन के साथ बड़ा सा योगा कर रही है, और ये इंस्टाग्राम के ओ वेट नेवर माइंड, ये योगा नहीं कर रही है, फोटोज़ खींच रही है, सेल्फियाँ खींच रही है अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स के लिए। ओके इंस्टाग्राम फॉलोअर इन्फ्लुएंसर, वहाँ पर कुछ येलो येलो से मुख रहा है, या संस्कृत हमें पहली बार दिखी थी पोकेमोन एक्स के अंदर, फर्स्ट जिम लीडर बहुत ज़्यादा परेशान किया था उसने ऐश को, और यहाँ पे एक अल्ट्रा बॉल दिख रही है, अल्ट्रा नहीं मतलब रेस्ट, ओके टीएम के लिए येलो बॉल दिखती है यार, ये चीज़ तो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए था। मैं जरा इस एरिया से थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, ये कैसे बड़ा बढ़िया सा छोटा सा पेड़ है, इसके अंदर से जैसे कि कोई अनार के फूल निकल रहे हो। बल्कि एक और मुझे बॉल वहाँ पे दिखी है, और ये एक पोकेमोन भी है, और पोकेमोन गायब हो गया पोकेमोन गायब हो गया, पता नहीं कौन सा पोकेमोन था। होपफुली मुझे कुछ शाइनी पोकेमोन मिल जाए इस गेम में तो बढ़िया रहेगा, और मैं यहाँ ऊपर जा सकता हूँ राइट। ये गेम में फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकते हो, सामने फ्लचलिंग है और एक और पोकेबॉल पड़ी है, शायद उसमें कुछ काम की चीज़ हो, पर मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि कुछ, ये क्या चीज़ है, कैंडी इनटू फाइव, ये कुछ नया है, अच्छी ये चीज़ बाद में आराम से देखेंगे क्या है। और ये पपी को मैं पिटवाता हूँ ज़रा, ओ नाइस, तो या क्वैक्सली को, ओ इसे एक्सपी भी मिल रही है, क्वैक्सली कहाँ गया, किसी और से लड़ने चला गया क्या, ये छोटा सा भालू यहाँ पे, ओके उड़ी उड़ी उड़ी, उसने क्वैक्सली ने एक और को पीट दिया, मतलब मैं एक को चाहता था वो मारे, लेकिन उसने बगल में देखा एक और दिख रहा है तो उसको भी पीट दिया, सही है, ताकतवर चाहिए था इतना नहीं। चलो जरा सामने वाले को पीटते हैं, ये जिगली पफ को पीटते हैं, जिगली पफ नहीं है तो वो क्या पोकेमोन है, नाम भूल गया मैं इसका, इगली पफ, यस, ओ कुत्ते के पीछे पड़ गया वो वो तो उसके मार के रहेगा, छोड़ दे उसकी जान, और पकड़ लिया, वाह ये मैकेनिक्स बड़ा अच्छा है यार, ये तो बस उसके पीछे एक और था उसको भी पीटने चला गया, बोल मेरा को एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही सैवेज है, उसको जो दिख रहा है उसको पीट रहा है, लेट्स गो, मैं थोड़ा सा आगे और जाता हूँ, यहाँ पे लड़ता रहता हूँ, मेरा को एक्चुअली पीटता रहेगा सबको। और ये सिटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी सिटी है, और ये सिटी में मैकेनिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ये स्लाइड करता हूँ मैं जाता हूँ, इसके घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, शायद जा पाऊँ, आई डोंट नो ये क्या ग्लिच है, यूज़ू फिक्स करो इस चीज़ को, या फिर यहाँ से खरीद उड़ा दो, या फिर मेरी गेम में कुछ इशू है, या फिर ये अपडेट्स में ठीक होगा आगे जाके। और फिलहाल ये आई थिंक ये सिटी इतनी ही बड़ी है, मुझे यहाँ पे फ्लाइंग वाला कुछ दिख रहा है मैप के अंदर, आई थिंक फ्लाइंग वाला थोड़ा लाइट में है, इसके साथ देखता हूँ, मुझे लगा फ्लाइंग वाला आइकन दिख रहा है तो शायद ये मुझे उड़ा के ले जाए पहले पर गेम के एंड तक, बट नो ऐसा कुछ नहीं है। यू नो अबाउट पेलीपर, आई डू नो अबाउट पेलीपर, सबसे ज़्यादा इरीटेटिंग पोकेमोन है, और मैं इसको इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन अपनी टीम में रखता हूँ जिससे इसको हमेशा पीटता हूँ। वेल या इट्स टाइम टू हेड टू द कॉलेज या स्कूल जो भी है मेरे फिलहाल, वहाँ पर जाना चाहिए, अब देखना चाहिए कि आगे स्कूल के अंदर क्या हाल चाल है। और सामने एक ट्रेनर है, लगता है इससे लड़ाई कर लेना चाहिए, मुझे ज़रा सीखना है इस गेम के मैकेनिक्स। वेल मैं इस एरिया को ज़रा स्किप करता हूँ तो सीधा इससे आगे आते हैं ताकि लड़ाई में ज़रा टाइम वेस्ट ना हो स्ट्रीम पे वीडियो पे। ओके मैं बैक आ चुका हूँ, उससे मैंने लड़ लिया, बहुत ज़्यादा ईजी थी, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स लड़ाइयाँ नहीं है इस गेम के अंदर स्टार्टिंग में, बिकॉज ये स्टार्टिंग है गेम की। वेल अभी तक टावर कितना ही दिख रहा है, ये पानी के अंदर साइड है, साइड एक तैरने जा रहा है, साइड एक स्विमिंग क्लासेस ले रहा है, और बड़े बड़े क्या बात है इस गेम में, ओ मुझे देख लिया आई थिंक कितने प्यार से देख रहा है, कुछ ही कुछ ही कुछ ही अयो कुछ ही ब्रो कुछ ही ब्रो, और दूसरे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से चल रहा है, ओ या ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, अरे गिर गया, अरे मोटू गिर गया, अरे फिर गिर गया, ऊपर आने भर गए, अटक गया था, आ गया आ गया आ गया आ गया, कैसे मटक मटक के चल रहा था इसका ध्यान फिर से मेरे पर गया, मेरे को नहीं दिखा, अब देखा लेकिन सर दर्द हो गया बेचारे को। चलो निकलते हैं यहाँ से, साइडक को छोड़ते हैं अकेला, उसको अपनी पार्टी अच्छी लग रही है जैसे भी है वो प्लान, अब थोड़ा आगे जाते हैं, मुझे तो स्कूल भी जाना है, स्कूल में एनरोल करना है, ये कौन सा पोकेमोन हवा में उड़ रहा है भाई, ये क्या लटका पड़ा है, ये क्या है जी, मैं फिलहाल इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जी पोकेमोन लग रहे हैं बग टाइप पोकेमोन, ज़्यादातर इंटरेस्टिंग नहीं होते एज पर टीम में रखने के लिए, अगर मैं सीजोर वगैरह की बात करूँ तो बात अलग है। और मैं फिलहाल आ गया दूसरे पोकेमोन सेंटर पे, और यहाँ पे थोड़ा सा हीलिंग भी ले लेते हैं जो कि मेरे पोकेमोन को थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी लड़ाई स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं स्कूल के बाहर हूँ, कोई ना कोई राइवल आ सकता है जो कहेगा कि चलो भाई तुम नए हो स्कूल में, आओ हम लड़ाई करते हैं।
और मेरे दोनों पोकेमोन एकदम फुल एचपी हो चुकी है, अच्छे से रेडी हैं किसी भी सरप्राइज फाइट के लिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। और ये क्या दिखा रहे ओके, मतलब मैं लॉक कर सकता हूँ, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है जो कि मुझे यूज़ करनी चाहिए इस गेम के अंदर। और आगे आई थिंक मैं ऑलरेडी यूज़ भी कर चुका हूँ तो मुझे ध्यान नहीं दिया होगा, तो ज़रा पीछे देखें ये क्या नज़ारा है, क्या ये पूरी सिटी है या स्कूल है, मुझे समझ भी नहीं आया इतना बड़ा है। ओके एनिमेशन एज एक्सपेक्टेड, फाइट होने वाली है स्टार्ट, या फिर दरवाज़ा खुलेगा इसकी एनिमेशन है, लेट्स सी। ये दरवाज़ा बंद क्यों है, इतना बड़ा दरवाज़ा खुला रखो यार, मुझे एंट्री चाहिए दरवाजे के अंदर। ओए मेगाट्रॉन, ओके निमोना आ गई है, निमोना के साथ लड़ाई तो नहीं होगी। और जब भी ये आती है मोस्टली एक बार मुझसे थोड़ी सी बातें करती है, सेकंड टाइम मुझसे लड़ाई करती है, राइवल में गेम के अंदर मैकेनिक यही होता है। इस बार होपफुली मुझे लगता है लड़ाई ही होगी स्कूल में जाने से पहले, लेट्स सी। ओह एक्सपेक्टेड लड़ाई ही है, वो चलो मैकेनिक्स अच्छी है, इन्होंने सामने फेस टू फेस लड़ाई नहीं की, थोड़ा पीछे जाके खड़े हुए हैं। गेम के अंदर ये ऑन फील्ड लड़ाई कर रहे हैं, लाइक तुम पोकेमोन तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा प्लेग्राउंड सा नहीं बन के आ रहा है, सब पुरानी पोकेमोन जनरेशन में था, जहाँ पे तुम खड़े हो वहीं पे लड़ाई होगी तुम्हारी, लाइक सामने घास है साइड में खेत है वही तुम्हारा फील्ड है। सो आई एम टू पोकेमोन, ओ अमेजिंग, इसके पास टू पोकेमोन है, मेरे पास भी टू पोकेमोन है, एंड मेरा क्वैक्स भी तो बहुत ईजिली इसको उड़ा सकता है, इस फायर टाइप क्रोकोडाइल को। सो फार अभी तक क्रोकोडाइल ज़्यादा तगड़ा नहीं है, टाइप एडवांटेज है मेरे पास, लेकिन अगर ये टेरेस्टलाइजेशन यूज़ करे क्रोकोडाइल को वाटर टाइप बना दे तो मैं फिट जाऊँगा, बट ओके अभी फ़िलहाल वो कॉन्सेप्ट नहीं आया। ये कैसा मूव है, ओह फाइनली फायर टाइप यूज़ नहीं किया उसने, लेकिन मेरा इस मूव के बाद वो बचने नहीं वाला क्रोकोडाइल, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सुपर इफेक्टिव इट्स वाटर अगेंस्ट फायर आफ्टर ऑल। ओह लेट्स सी अब इसका दूसरा पोकेमोन कौन सा आने वाला है, थोड़ा सा अच्छा खासा एक्सपी मिल चुका है मुझे ऊपर को, मैं पोकेमोन चेंज करता हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना, कहीं मेरा को एक्चुअली मर गया तो मेरा एक इतना 2000 रुपये का है वो रिवाइव वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सी दूसरा पोकेमोन इसका क्या है। ओह हाँ मैंने को एक्चुअली पकड़ा था और मैं उसका निक नेम नहीं रखना चाहता था कुछ, लेकिन गलती से एक्स रख दिया और मैं उसने ओके भी दबा दिया, और नाउ या मेरे को एक्स मेरे ऊपर का नाम अब एक्स है, तो या प्रोफेसर एक्स। ओ पाम ये टेडी बियर क्या कर लेगा, चिमीचंगा, इसको तो मर्ड वाइप करते हैं सदा, आंखों में इसकी धूल मिट्टी कर, वेट व्हाट, एस इन द होल, ओ ओ ओ क्रिस्टल्स, टेरेस्टलाइजेशन, गेम का पहला टेरेस्टलाइजेशन फिनोमेना मुझे देखने को मिल गया, फाइनली इलेक्ट्रो टाइप पोकेमोन बन गया, मतलब ये पहले क्या नॉर्मल टाइप था, ट्रस्ट नहीं ऑलवेज सॉइस रेज गिव्स पोकेमोन पावर, थेरा टाइप मोर पावर, थेरा टाइप। वेल ये फिनोमेना अभी भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया क्या गेम का मैकेनिक है, टेरा टाइप क्या होता है, लेट्स गो मैं मच शॉट यूज़ करता हूँ, लेट्स गो गेम जीतते हैं, और उसकी स्पीड धीरे हो रही है, और लेकिन मेरा ऊपर पे कोई इलेक्ट्रिक शॉक का असर नहीं होता, मैं जीत गया ये गेम, इजी वन साइडेड मैच। ओके अब बिना छोटा सा कोई डैमेज खाए हुए मैं ये बहुत ज़्यादा इजीली मैच जीत चुका हूँ, और बस एक और मर्ड शॉट आ रहा है। ओह नाइस, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा गिर गई कि उसकी स्पीड मेरे 5 या 7 लेवल के ऊपर से भी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। क्रिस्टल टूटा और वो गया पोकेमोन, दैट्स ग्रेट एनिमेशन, गेम ने फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग सा नया फिनोमेना दिखा दिया। लास्ट टाइम जिगेंटा मैक्स था जो कि बहुत अमेजिंग था, जिगेंटा मैक्स और मेगा एवोल्यूशन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिनोमेना जो नए दिखाए थे वो थे। जी मूव भी अच्छा था, टेरेस्टलाइजेशन मूव भी अच्छा था, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम क्या दिखाएंगे वो नेक्स्ट ईयर में, बट फिलहाल जनरेशन 9 जो है वो इंटरेस्टिंग ही है, और लेट्स गो टू एनिमेशन। अब शायद हम स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे, और लेट्स सी कि यहाँ पे कोई टीचर दिखाई, मुझे टेरेस्टलाइजेशन नहीं पता कुछ भी। ओके तो स्कूल में ही सिखाएंगे मुझे टेरेस्टलाइजेशन करना, आह ये वर्ड कितना अजीब सा, टेरेस्टलाइजेशन, इसका कोई छोटा आउटकम नहीं होगा लाइक ओके ना नेवर माइंड, मेगा एवोल्यूशन के बाद आया था जी मूव जो कि छोटा सा वर्ड था, देन जिगेंटा मैक्स, बहुत सारे वर्ड आ गए थे, जिगेंटा मैक्स, गीगा मैक्स, अल्ट्रा मैक्स, पता नहीं क्या क्या था, नेवर माइंड लेट्स गो, लेट्स टर्न टू हिल एंड स्टेयर्स इन द स्टफ, ओके इन द सिटी, सो ओके तो सिटी काफ़ी बड़ी है, ये स्कूल नहीं है, ये प्रॉपर सिटी ही है, स्कूल इसके अंदर होगा। ओके वेलकम टू द पैलेडिया रीजन की पहली प्रॉपर सिटी जिसे कहूँ, ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये सिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही थी बाहर से, अंदर से तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी, यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स होंगी, कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग बैठे हुए हैं गिनती के फिलहाल, लेकिन काफ़ी है दैट्स एनफ। और ये थोड़ा सा मुझे
बढ़िया रीजन लग रहा है। अगर मैं इन सारी बिल्डिंग्स के अंदर जा सकता हूँ ऊपर ऊपर तक, आई डोंट नो, लेट्स सी। मुझे एक्सप्लोर करनी पड़ेगी खुद से थोड़ा आगे जाके। मुझे थोड़े बहुत कपड़े भी चेंज करने हैं अपने करेक्टर के। अगर मैं बाल भी चेंज कर सकता हूँ तो और अमेजिंग बात है। मुझे खाना पीने का मैकेनिक्स देखना है यहाँ के, क्या GTA 5 की तरह, आई मीन GTA San Andreas की तरह इसमें भी खाना पीना ज़रूरी है कि करेक्टर के लिए, या फिर वो सारा खाना मेरा मेरा आइडिया नहीं खाएगा सैंडविच वगैरह की तरह। ओके, मैं सिटी के अंदर आ गया, थोड़ा सा सिटी के साथ हो मेरा। अब देखते हैं दीदी क्या बोलने वाली। ऑल राइट, आई एम हियर, वी फाइनली मेड इट। हाँ, वी फाइनली मेड इट, या हम फाइनली सिटी के अंदर आ चुके हैं। मेरे पास मेरा आईडी ऑन है जो मैं यहाँ पे सबको दिखाना चाहूँगा, बट लेट्स सी द बिगेस्ट सिटी इन पैलेडिया। ओके, बिगेस्ट सिटी है, स्टार्टिंग में हमें सबसे बड़ी सिटी दिखा दी है ताकि इंटरेस्ट बना रहे हमेशा बड़ी सिटी के अंदर। और आई होपफुली इस सिटी के अंदर काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। और यहाँ स्कूल ही तो इस सिटी के अंदर है, सो ऑब्वियसली इसको बड़ा ही करना था। वेल, स्कूल में फिलहाल अगर फिर से वो एक हेयर सैलून, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है भाई। यहाँ पे बाल बाल होंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने का सामान हर जगह है, तो पहले क्या जाना चाहेंगे? हेयर सलून, ऑब्वियसली पहले हेयर सलून ही चलते हैं, कुछ ज़्यादा बाल बाल कपड़े वपड़े ठीक करें। खाने पीने का, खाने पीने का मैकेनिक्स अभी तक पता है नहीं कि खाना पीना है कि नहीं खाना। या लेट्स गो, अब ये जरा बैठने की बात करें। ओके, वन ऑफ यू टेरेस्टलाइज योर पोकेमोन टू। ओह, मेरा पोकेमोन भी टेरेस्टलाइज, या मुझे करना है, मुझे देखना है अगर मैं अपने पोकेमोन को किस टूर्नामेंट्स में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अजीब सा होने वाला है। लाइक, तुम एक अजीब सी टीम लेके जा रहे हो और सामने वाला एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सी टीम लेके आ रहा है। तुम टेरेस्टलाइजेशन यूज़ कर रहे हो, तुमने अपने वाटर टाइप को फायर टाइप कर दिया और सामने वाले ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ, तुमने वाटर टाइप को फायर टाइप कर दिया और ये हाल हो गया और तुम टूर्नामेंट जीत गए। और ओके, ये हमारा स्कूल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जो मुझे चढ़नी पड़ेंगी। रियलिटी में अगर सारी सीढ़ियाँ होती तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही उतर जाता, और आई थिंक यही होती मेरी एक दिन की एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यार, बंदा थक जाएगा इतनी चढ़ते चढ़ते। फिलहाल आई थिंक दैट्स इट फॉर द गेम आज के लिए, क्योंकि आज के दिन इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ इस एरिया को। हेड टू द स्कूल गेट्स। स्कूल गेट्स वाला कॉन्सेप्ट बाहर ही रखते हैं क्योंकि स्कूल बड़ा सा होगा, कल के दिन स्टार्ट करता है स्कूल। Part 3 के लिए दैट्स मोर देन इनफ। थोड़ा सा कैमरा एंगल बंद करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि थोड़ा गेम बंद करने से पहले थोड़ा सा बड़ी सा कैमरा एंगल चूज़ करूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया, नहीं नहीं पास ही रखता हूँ। ओके, यही कैमरा एंगल सबसे बेस्ट है, आई थिंक थंबनेल में भी अच्छा लगेगा। वेल, या दैट्स इट फॉर द पार्ट 2 और पार्ट 3, आई मीन, और पार्ट 4 में मिलते हैं। बाय बाय।